So, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स यार, ये टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार देखो कि अब मैं जो इस वीडियो को अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद ही कुछ मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि भाई यार आप है ना, क्यों आप बस YouTube के रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पे अपडेट करते हो। क्योंकि यार देखो, आपके YouTube के वीडियोस है ना यहाँ पे, है ना, YouTube रिलेटेड वीडियोस है ना यहाँ पे आपको चलते नहीं थे भाई। आप लोग है ना, आप क्यों यहाँ पे ये अपलोड कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस मुझे अब बहुत ज्यादा आने वाला है। हालांकि आए थे, पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था इसके बारे में। तो फ्रेंड्स यार, आप सभी को एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, जितने भी मैंने मेरे यहाँ पे दोस्त है, जितने भी मेरे यहाँ पे फॉलोअर्स है, ठीक है, उनको मैंने एक पोल बनाई थी, जो जिस पोल पे मैंने पूछा था कि यार यहाँ पे मेरे टीके फैमिली यानी कि टेक्निकल जैसा फैमिली में टोटल कितने यानी कि कितने यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको है ना येस और नो के लिए जो है मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 50% लोगों ने बताया कि है और 50% लोग नहीं है। लगभग मेरे से 1400-1500 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, तो उनमें से देखो 50% लोग है ना यहाँ पे जो है यूट्यूबर्स है। तो यार ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन सब के लिए ना यूट्यूबर यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि देखो भाई लोग, मैं जो काम करता हूँ मैं सभी के लिए करता हूँ, ताकि मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो यार इतना तो बनता है कि मैं अपने नए दोस्तों को, नए क्रिएटर्स को हेल्प करूँ, है ना, कुछ मेरे से जितना हो सके मैं उतना हेल्प करूंगा, ठीक है। और आप सब है ना, अगर छोटे छोटे क्रिएटर्स मिलके अगर चैनल को, अपना चैनल को ग्रो नहीं करोगे, तो यार बड़ा क्रिएटर आने नहीं वाला है आपकी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। तो यार मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तो प्लीज यार आप इस बात को दूर रहें कि कौन सी वीडियो आपके चैनल पर चलती है, कौन सी वीडियो नहीं चलती, कुछ नहीं। बस आप है ना, बस काम करते जाओ, जो भी वीडियो पसंद आए, जो भी आपको है ना अच्छी लगे, जो भी टॉपिक आपको अच्छी लगे, लेकिन वो जेन्युइन टॉपिक होने चाहिए, किसी की हेल्पफुल होनी चाहिए। बस उतना सा टॉपिक अगर आपको पसंद हो गया ना, उतना सा टॉपिक आपके माइंड में आ गया, तो यार बिंदास वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, ठीक है। व्यूज यार देखो, जिसकी प्रॉब्लम से वो अगर सर्च करता है इन फ्यूचर, अगर मान लो कि मैं आज ये जो है वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू मेक थंबनेल, है ना, यूट्यूब थंबनेल आप एचडी में कैसे बना रहे हो, मैं मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से जो है व्यूज आएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे जो है वीडियो बना देता हूँ, तो यार बहुत सारे बंदों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बंदे को हेल्प हो जाएगा कि वो एचडी में थंबनेल कैसे बना सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो यार यहाँ पे जैसे भी इससे पहले कि अगर आप मुझे थंबनेल देखोगे, इससे पहले कि अगर आप थंबनेल देखोगे, तो यार इतनी खास थंबनेल नहीं हुआ करती थी, जहां से है ना मेरे व्यूज बहुत ही डाउन डाउन जा रहे थे। उसके बाद जैसे मैंने थंबनेल चेंज कर ली, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने थंबनेल चेंज करना शुरू किया, तो यार हर अभी जो है हर वीडियो में आप देख सकते हो, हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मेरे मुझे जो है वॉच टाइम आती है, यानी कि मुझे जो है लोग देखते हैं। तो यार 100% मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप न्यू क्रिएटर हो, तो यार आपको है ना थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी आपको थंबनेल बनानी है, ठीक है। ये बात मैं सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बड़े से बड़े टेक चैनल पे ले लो, गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी के, यार वो भी बताते हैं कि यार सबसे 80% से लेकर 90% तक है ना आपका उस वीडियो में ना आपको रोल करता है, मेन रोल जो डिजर्व करता है वो है आपका थंबनेल। अगर आपकी थंबनेल अच्छी होगी ना, तो यार वो बंदा सोचेगा यार हाँ यार इस थंबनेल में तो कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है, इस थंबनेल में ना आंख में चुभ रही है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, तो वो बंदा पक्का उसमें टैप करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ना आपको थंबनेल क्रिएट करना है। तो गाइस यार सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक यहाँ पे इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। देख सकते हो मैंने जो हाल ही रिसेंट वीडियो में मैंने यहाँ पे थंबनेल बनाई थी, वो कैसे मैंने यहाँ से बनाई थी, तो आप देख सकते हो इसकी थंबनेल की पूरी यहाँ पे मैंने डेकोरेट की थी, तो इसको हम लोग है ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे है ना इस थंबनेल की साइज को आप जो है यहाँ पे फिक्स करोगे कैसे, है ना। तो फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस 3 डॉट को टैप कर देना है। उसके बाद आपको है ना इमेज साइज पे चले जाना है, जैसे आप इमेज साइज पे चले जाते हो, यहाँ पे कस्टम का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद यूट्यूब थंबनेल आपको देख मिल जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूब थंबनेल जैसे यहाँ पे 80 उसके बाद 720 का यहाँ पे है ना साइज मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ 1280 को और 720 को हटा के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना है 1920, या दोस्तों यहाँ पे आपको 1920 करना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1080 करना है, ठीक है, बस इतना सा काम करते हैं। उसके जैसे आप ओके कर देते हो, तो आपका है ना यहाँ पे साइज बन जाएगा। अब दोस्तों मैं
आपको बताना चाहता हूँ, जो भी साइज यहाँ से पहले बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं यूट्यूब थंबनेल के लिए वो भी सही है, लेकिन उस थंबनेल को अगर है ना आप अगर डबल फिंगर से यहाँ से जूम करते हो तो यार वो थंबनेल है ना फट जाता है। अगर आप यहाँ पे 1920 और 1080 से अगर इस साइज की थंबनेल बनाते हो तो ये है ना परफेक्ट रहता है, जो कि मेरे हर एक वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसी साइज का जो है थंबनेल बनाता हूँ जो कि 1920 और 1080 का रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट यहाँ पे जो है ना आपको लुक मिलेगा। अगर आप जाके डेस्कटॉप से मेरे चैनल को अगर आप विजिट करते हो तो वहां पे एक बार देख लेना कैसे दिखती है हमारे इस चैनल की लुक। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एडिट कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे है ना आपको प्लस के आइकॉन पे टैप करना है। प्लस के आइकॉन पे टैप करने के मान लो मुझे यहाँ पे HD थंबनेल बनानी है, ठीक है। इसी थंबनेल को मैं इस वीडियो के थंबनेल से यूज करने वाला हूँ। अब दोस्तों गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाके आपकी है ना थंबनेल फोटो एक बना लेनी है, ठीक है। कोई भी फोटो चलेगा, आपकी जो है फेस की रहनी हो सकती है, या फिर कोई आप अगर मोबाइल की रिव्यू करना चाह रहे हो, या फिर आप है ना कुछ एप्लीकेशन की रिव्यू कर रहे हो तो उसका फोटो है ना आपको लगाना है। तो गाइस सर यहाँ अभी मैंने ऑलरेडी कुछ फोटोज को है ना सेलेक्ट करके रखा है जो कि मैंने जो है पिक्स आर्ट से लिया था, ठीक है। तो पिक्स आर्ट से मैंने यहाँ से है ना इसको एडिट किया था जो कि PNG फाइल पे है। तो जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको आपको आपके लाइव आपके सामने यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और इसी थंबनेल को इस वीडियो को थंबनेल से हिसाब से यूज करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ना साइड बॉर्डर डालना है। अगर आप साइड बॉर्डर नहीं डालते हो ना तो यार ये इतना अट्रैक्टिव लगेगा नहीं। तो यहाँ पे है ना आपको जाना इस वाले सेक्शन पे स्ट्रोक पे, ठीक है। स्ट्रोक पे जाना, स्ट्रोक को ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइज में आप रेड भी लगा सकते हो, व्हाइट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मैं चलो व्हाइट रहने देता हूँ, है ना ज्यादा भी नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे डबल टैप करते हो टेक्स्ट ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको है ना,
तो फ्रेंड्स सर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फुल एचडी में यहाँ पे जो है थंबनेल क्रिएट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पे टैप करना है, थ्री डॉट पे टैप करने के बाद इमेज को है ना जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। बस यार इतना सा काम करते हैं, आपका ये गैलरी पे सेव हो जाएगा। गैलरी पे सेव होने के बाद आप है ना बहुत ही इजिली इसको जो है आप अपने यूट्यूब के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हो, अपने यूट्यूब वीडियोज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई सर यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी वीडियो स्प्लिट कर दी है, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप ट्यूटोरियल आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा स्पीड भी मैंने नहीं दिया था, जस्ट मीडियम में दिया है। तो यार वीडियो को फिर से देख लो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आप फुल एचडी में अपना थंबनेल है ना यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। तो गाइस यार ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप कैसे एक अट्रैक्टिव थंबनेल अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो। तो होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम होना है, आप मुझे जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। और हाँ आप एक चीज कर दो कि आपके चैनल का नाम कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो, तो ताकि हम आपके चैनल पर विजिट कर पाए और आपको भी हेल्प कर पाए। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।